ये अमेज़न का डब्बा है, ये मैच बॉक्स है और ये एक मिठाई का डब्बा है। कैसे इन जुगाड़ों डब्बे से हम बना सकते हैं कुछ ब्यूटीफुल बॉक्सेस, चलिए वो देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉस्म थिंग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि ये सारे क्राफ्ट्स में जो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कितना ब्यूटीफुल और ब्राइट है। यस, इसमें सारे मैंने येलो कलर के क्राफ्ट्स बनाए हैं। द रीजंस बिहाइंड दिस आर द फर्स्ट वन इज ये मेरा पर्सनल फेवरेट कलर है, वन ऑफ द फेवरेट कलर ऑब्वियसली। सो इन दैट केस दैट रीजन वाज क्वाइट इनफ कि मैं सारे येलो कलर के क्राफ्ट्स बनाऊं दिस टाइम। द सेकंड रीजन बिहाइंड दिस इज समर्स है, समर्स में ब्राइट येलो कलर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, बिल्कुल एकदम कूल कलर है, बहुत ही ज्यादा ओवरटू आपको नहीं लगाता है अगर आप इस कलर के आउटफिट्स चूज करो या अपने होम डेकोर में ये कलर यूज करो। सो वो बहुत ज्यादा एक सटल फील देता है, एट द सेम टाइम बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है आपको भी और आपके घर को भी। द थर्ड रीजन बिहाइंड दिस इज क्योंकि वेडिंग सीजन आ रहा है, वेडिंग सीजन में हम ध्यान रखते हैं कि हमारा आउटफिट मैच होना चाहिए, हमारा एक्सेसरीज मैच होना चाहिए, एंड ऑल्सो येलो इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस कलर्स फॉर द वेडिंग। So keeping all these three reasons in my mind, I have come up with these three crafts. ये सारे crafts आप बहुत ही useful हो सकता है आपके लिए, आप इसे अपने लिए use कर सकते हैं, आप इसी को gift भी कर सकते हैं। So अगर gifting की बात करें तो ये सारे तो मैंने waste material से बनाए हैं। So waste material से तो आप definitely किसी को gift नहीं करोगे, but इसके alternatives मैं आपके साथ share कर दूंगी, वो आप किसी को gift कर सकते हो। So now without any further ado, let's get into today's video and see what all I have created for this particular video, and I hope you will enjoy it. For the first craft here I have taken an Amazon delivery box. आप किसी भी साइज का बॉक्स ले सकते हो। यहाँ मैंने एक प्लांटर बनाया है जिसके वजह से मैंने इस पर्टिकुलर बॉक्स को चूज किया। आप चाहो तो आप इससे बड़ा वाला डब्बा भी ले सकते हो या छोटा भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब मैं इसको जितने भी इसके स्टिकर्स थे साइड वाले वो सारे मैंने रिमूव कर दिया है, एंड इसको मैं सिंपली येलो कलर से पेंट कर लूँगी। यहाँ पे मैं एक्रिलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इस पर पहले जैसो के ऊपर भी एक्रिलिक कलर यूज़ कर सकते हो या फिर आप इस पर चॉक पेंट का भी यूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द डिज़ाइनिंग पार्ट, यहाँ पे मैं मोल्डेड क्ले का यूज़ कर रही हूँ। दोनों रेजिन एंड हार्डनर को अच्छे से मिक्स करके उसे एक डो बनाना है, एंड देन उससे मैं इस तरह के स्ट्रिंग्स बनाऊंगी। आप यहाँ पे फेविक्रिल के मोल्डेड के बजाय आप एमसिल का भी यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पे भी ये आपको सेम ही इफेक्ट देगा। इस तरह के स्ट्रिंग्स मैं दो बना के अब पूरे इसको राउंड करूँगी, पूरे को कवर करूँगी। बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए दोनों स्ट्रिंग के बीच में, ताकि इसका जो दूसरा वाला डिज़ाइनिंग पार्ट है वो मैं वहाँ पे प्लेस कर सकूँ। सो ये इसका जो गैप है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो आप इतना 1.5 सेंटीमीटर रख सकते हो, या अगर आप थोड़ा बड़ा अगर डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो उसे आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसे रख सकते हो। अब इसको इस तरह से कंप्लीट करने के बाद इसे एक रोप का इफेक्ट देना चाहती हूँ, इसलिए इस तरह के कटर के हेल्प से इस तरह से सिंपली ऐसे कट मार्क्स डालूंगी, सो दैट जब ये ड्राई हो जाए और इस पर जब मैं पेंट करूं, सो ये एक रोप इफेक्ट दे। आप अगर आप कटर यूज़ नहीं करना चाहते हो, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट के साथ भी आप ये कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास क्राफ्टिंग टूल्स है तो उससे भी आप ये कर सकते हो। ये मार्क्स आपको तब करना है जब ये थोड़ा वेट रहे, ड्राई होने के बाद अगर आप ये इंप्रेशंस लाना चाहते हो तो ये नहीं होगा, एंड आपका क्राफ्ट भी टूट सकता है। सो इसलिए जब ये वेट रहे तभी आप ये सारे इंप्रेशंस डाल दें। अब जो मैं नेक्स्ट यहाँ पे डिज़ाइन बनाने वाली हूँ उसके लिए मैंने सिंपली इस तरह का थोड़ा थिक डो लिया है, एंड उसे इस तरह से थोड़ा बिगर राउंड सर्कल काइंड ऑफ बना लिया है। थोड़ा सा टैल्कम पाउडर मैंने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ किया सो दैट ये स्टिक ना हो। आप अगर चाहो तो आप थोड़ा थोड़ा टैल्कम पाउडर यूज़ करके इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। अब ये बीच का जो ये डिज़ाइन आप देख रहे हो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो आप इसे इस तरह से रख सकते हो राउंड सिंपल, अगर आप चाहो तो आप इसे रेक्टेंगुलर शेप दे सकते हो। अगर आपके पास टूल्स है कटिंग टूल्स सो उस तरह से आप फ्लावर शेप्स भी इसमें दे सकते हो, फ्लावर्स या लीव्स जो भी चाहो आप उस तरह का इसमें डिज़ाइन दे सकते हो। अभी तक आपने देखा कि मैंने फेविकॉल का यूज़ नहीं किया है इसे पेस्ट करने के लिए। सिंपली अगर मैं इसे इस तरह से प्रेस कर करके करूँ तभी भी ये पेस्ट हो जाता है। आप चाहो तो आप फेविकॉल से भी इसे स्टिक कर सकते हो, बट अगर आप फेविकॉल यूज़ नहीं भी करना चाहते हो तो भी एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि ये फिर भी निकल के नहीं आएगा।
इसे सिंपली जब आप प्लेस कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से प्रेस कर दे सो दैट ये कार्डबोर्ड के ऊपर अच्छे से स्टिक हो जाए। सो हियर यू कैन सी कि कितना सिंपल डिज़ाइन है, कोई भी कर सकता है। अगर आप बिगिनर हो फिर भी आपको ये बहुत ही ईजी है, आप बिल्कुल ट्राई आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे थोड़े थोड़े वाटर का यूज़ करके जो एक्स्ट्रा डिटेलिंग्स आ गया था मैं उसे प्लेन कर लूँगी, स्मूथ कर लूँगी सरफेस को, सो दैट इसके ऊपर मुझे पेंट करने में ईजी हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पेंटिंग पार्ट। यहाँ पे मैं एक फ्लावर रिलेटेड कोट लिखने वाली हूँ, जो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी कोट लिख सकते हैं, कोई सा भी कलर पैलेट आप चूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं इस ब्लू के साथ मैं येलो का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे से निकल के आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो एंड कोट भी बिल्कुल एब्सोल्युटली योर चॉइस। यहाँ पे मुझे ये सिंपल कोट बहुत पसंद आया क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स रखने का सोच रही हूँ, सो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से इसे दिखने वाली हूँ। और इसको मैं पूरा ही ब्लू रखूँगी, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू, कहीं कहीं पे थोड़े वाइट ऐड किए हैं, कहीं कहीं पे थोड़े से वाटर का ऐड किया है, सो इस तरह से मैं इसे कंप्लीट करूँगी। यहाँ पे एक टिप है, आप देखें कि पहले मैंने यहाँ पे कोट लिखा एंड देन मैं इस पर ब्लू कलर का बैकग्राउंड दे रही हूँ। आप चाहो तो आप पहले बैकग्राउंड को कलर कर सकते हो एंड देन उस पर आप कोट लिख सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि ज़्यादा ईजी होगा। एक बार ड्राई हो जाए फिर उस पर आप कुछ भी कोट लिख सकते हो। अब यहाँ पे ये जूट रोप का इफेक्ट देने के लिए मैं यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है इसके ऊपर मैं ब्राउन कलर का यूज़ करूँगी। सो सिंपली थोड़ा सा ड्राई ब्रश का यूज़ करूँगी एंड उस पर थोड़ा थोड़ा सा पेंट। अगर एकदम बहुत अच्छे से अगर डार्क पेंट नहीं भी हो रहा है देन ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। इसे करते टाइम जो थोड़ा बहुत बाहर निकल आया था कलर्स, उसके लिए मैंने फिर से उसे करेक्ट कर दिया है यूजिंग द येलो कलर अगेन। सो जितने भी आउटसाइड में थोड़े बहुत बॉर्डर्स निकल आए थे तो उसे मैंने करेक्ट कर दिया। अब इसको एक रस्टिक लुक देना चाहती हूँ, इसलिए एक ड्राई ब्रश में थोड़ा सा सिंपल ब्लू कलर लिया है मैंने एंड उसको इसके ऊपर इस तरह से ड्राई ब्रश से पेंट कर दूंगी, सो दैट ये एक बहुत ही रस्टिक लुक आए, बहुत एक विंटेज अच्छा एक इफेक्ट आए, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। जब इसको इसका फाइनल आउटकम देखोगे तो आपको ज़रूर ये बहुत पसंद आने वाला है। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि ये सारे वेस्ट मटेरियल से बना रही हूँ। इसके अल्टरनेटिव आइडियाज़ मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी जो आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। सो इसके इस तरह के बॉक्सेस आते हैं MDF के, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, उस पर भी आप सिंपल इस तरह के डिज़ाइंस बना के आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। ऐसा हमेशा होता है कि कोई भी हम ओकेजन्स में रिटर्न गिफ्ट तो देते ही हैं, जैसे वेडिंग फंक्शंस हो गया या बर्थडे पार्टीज हो गया। सो इन दैट केस इस तरह के आप जो यहाँ पे देख रहे हो इसको मैंने इसमें प्लांट प्लेस किया है। इसके अलावा भी आप इस तरह के पेन स्टैंड्स बना सकते हो या फिर कुछ भी ऑर्गेनाइजर काइंड ऑफ बना सकते हो। सो वो सारे के लिए MDF बोर्ड का आप इस तरह का बॉक्सेस ले सकते हो एंड देन उसके ऊपर इस तरह के सिंपल डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है रिटर्न गिफ्ट के लिए। होपफुली कि आपको या जिसको भी गिफ्ट करते हो उनको ये आइडियाज़ पसंद आएंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो ब्लैक है ये इसको मैंने उसमें एमसिल का या फेविक्रिल के मोल्डेड का यूज़ नहीं किया है, सिंपली उस पर पेंट किया है। सो इट इज़ अनदर ऑप्शन। ये एक ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे आप देख रहे हो, सो इस पर भी मैंने सिंपल पेंट्स का यूज़ किया है। सो पेंट करके इसे इस तरह से आप बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हो, आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। देख सकते हो कि कितना कलरफुल लग रहा है, कितना ब्राइट लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग आइडिया है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। अगर आप ये सारे क्राफ्ट्स क्रिएट करते हैं सो कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए आपका एक्सपीरियंस। जस्ट अ सेकंड बिफोर मूविंग ऑन टू द वीडियो, अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप इस तरह के वीडियोस देखना आपको अच्छा लगता है सो दिस चैनल इज पर्टिकुलरली फॉर यू। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सोच रहे हैं सब्सक्राइब करें या ना करें, तो डेफिनेटली कर दीजिए बिकॉज आगे और भी इस तरह के ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स आते रहेंगे और आप उन सारे को एंजॉय कर सको इसलिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए। So now let's get into the video and check it out कि किस तरह से ये सारे crafts मैंने create किया है। For this next craft, here I am using this sweet box. इस box का जितने भी side में stickers, sellotape थे वो सारे निकालने के बाद इसको मैं एक sponge के help से white acrylic color से dab करके paint करूँगी। इसमें मैं brush का use नहीं करूँगी because brush से वो effect नहीं आता, वो texture नहीं आएगा और strokes भी रह जाएंगे, इसलिए यहाँ पे मैं sponge का use कर रही हूँ। आप acrylic color के बदले कोई और भी paint का use कर सकते हैं।
अब वाइट के बाद थोड़ा सा येलो मिक्स करके मैंने यहाँ पे सिर्फ एक टिंटेड फील लाने के लिए थोड़ा सा येलो मिक्स किया है। बहुत ही लाइट येलो है सो दैट ये टेक्सचर में जहाँ जहाँ हाई पॉइंट्स है वहाँ पे ये येलो शेड्स रहे एंड ऊपर का पोर्शन आप देख सकते हो कि वाइट मैंने छोड़ दिया है। कलर पैलेट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो आप अपने मनपसंद कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सिंपल फ्लोरल डिज़ाइंस बनाऊंगी विद द हेल्प ऑफ अ मार्कर। पहले मैं यहाँ पे मार्कर यूज़ कर रही थी बट देन मैंने बाद में इसमें सिंपल जेल पेन्स का यूज़ किया बिकॉज मार्कर समहाउ वर्क नहीं कर रहा था। सो इन दैट केस यहाँ पे आप सिंपल जेल पेन्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मार्कर्स नहीं हैं तो, क्योंकि एनीवेज एट द एंड इसको जब हम वार्निश से सील करेंगे तो वो पेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं सिंपल ब्लू जेल पेन का ही यूज़ कर रही हूँ एंड ये फ्लोरल डिज़ाइंस भी काफ़ी सिंपल है। सिंपल इसमें रैंडम फ्लावर्स मैंने बनाए हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी ऐसा रैंडम शेप्स लिया है एंड सिंपली उसके अंदर इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर करके इसको फिल करना है। ये वाली डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, बहुत सिंपल है बट इसका आउटकम बहुत अमेजिंग आएगा। सो आप इस तरह से सारे को फिल कर ले एंड देन जो ये वाइट पोर्शन है मैं उसको डिफरेंट कलर से फिल करूँगी। सो इस तरह से सारे को ब्लू कलर से पेंट करने के बाद आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये स्मज ना हो जाए, क्योंकि स्मज हो जाने से फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। अब ये जो वाइट पोर्शन है इसको मैं लाइट पिंक कलर से फिल करने वाली हूँ। अगेन कलर पैलेट इज़ एब्सोल्युटली योर चॉइस बट क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये सारे वेडिंग सीजन्स के लिए स्पेशली, इसलिए ये सारे क्राफ्ट्स का जो भी कलर थीम है वो बहुत ज़्यादा वेडिंग के साथ मैच करता हुआ होना चाहिए। सो लाइट पिंक, ब्लू, येल्लो ये सारे कलर्स बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है एक साथ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। नाउ एज इन दिस फ्लावर्स यहाँ पे थोड़े वाइट कलर के शेड्स है इसलिए मैं यहाँ पे वाइट लीव्स बनाऊंगी। आप चाहो तो आप किसी भी कलर का लीव्स बना सकते हो बट यहाँ पे वाइट बहुत अच्छे से पॉपअप होके आएगा पिंक के ऊपर, सो इसलिए मुझे लगा कि वाइट लीव्स बहुत ही क्यूट लग रहे हैं इसके ऊपर। इसके अलावा मैं थोड़े छोटे डॉट्स भी यहाँ पे दूंगी सो दैट ये जो खाली स्पेसेस है हर जगह लीव्स अगर बनाऊंगी तो बहुत ओवरडू लगेगा, इसलिए छोटे छोटे इस तरह के डॉट्स दूंगी। एंड दिस इज कम्प्लीट, द आउटर पोर्शन ऑफ द बॉक्स इज ऑलरेडी रेडी। अब हम इसको इसके अंदर में हम कुछ डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये मैं एक ज्वेलरी बॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं इसे, या फिर मैं इसे अपने मेकअप को स्टोरेज करने के लिए इसे यूज़ करना चाहती हूँ। इसलिए मेकअप सिर्फ यूज़ नहीं, एक्चुअली कैरी करने के लिए मैं इसे यूज़ करना चाहती हूँ। सो इसलिए यहाँ पे एक मिरर यूज़ करूँगी मैं एंड मिरर के साइड्स बहुत ही शार्प थे इसलिए मैं इसको भी साइड से भी इसको एक मैक्रमे थ्रेड से कवर करूँगी। सो इस तरह से इसको मैं कंप्लीट करती हूँ एंड देन इसका फाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह के जो बॉक्सेस है ये आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी भी गिफ्ट किसी को करने के लिए, जैसे आप मेकअप प्रोडक्ट्स किसी को देते हैं तो इसमें बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, बेसिक जितने भी है वो सारे ही ऑलमोस्ट आ जाते हैं। सो इस तरह से आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। द रीज़न बिहाइंड यूजिंग दिस मिरर इज़ आप इसको कहीं पे भी ट्रैवल किट में आप ले सकते हो। सो अगर आपको कहीं पे भी टचअप की ज़रूरत है या फिर ऐसा कोई स्पेस है जहाँ पे आपको मिरर नहीं मिल रहा है, सो इन दैट केस आप इसी को यूज़ कर सकते हो। इसमें मिरर भी लगा हुआ है, आप पूरा का पूरा मेकअप इसी किट से यूज़ कर सकते हो। नाउ हियर्स द थर्ड वन। सो इसमें आप एक मैच बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा वाला जो मैच स्टिक आता है ये उसका बॉक्स है, छोटे वाले का भी आप यूज़ कर सकते हो इन अ सिमिलर वे। इसमें आप कुछ भी अपना निक नैक थिंग्स स्टोर कर सकते हो, इसके अंदर काफ़ी स्पेस है, ऐसे बाहर से आपको लग नहीं रहा होगा कि ये इतना ज़्यादा चीज़ स्टोर कर सकता है बट एट द एंड मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से इसके अंदर मैंने कितने सारे थिंग्स इसमें स्टोर कर सकते हैं आप। सो इसको भी सिंपली इस तरह से स्पंज से डैब कर लिया है। थोड़ा इसका बेस डार्क कलर था तो मुझे लगता है कि पहले मुझे जेसो का यूज़ करना चाहिए था बट मैंने जल्दी जल्दी में इतना ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने इसमें सिंपल जो एक्रिलिक कलर्स होता है उसी को यूज़ किया है, जिसकी वजह से मुझे 3 coats ऑफ एक्रिलिक कलर्स यूज़ करना पड़ा। आप अगर जेसो का यूज़ करते हैं सो इन दैट केस 1 coat ऑफ दिस एक्रिलिक कलर विल बी क्वाइट एनफ। इस तरह से इसको डैप करके पूरा कंप्लीट करने के बाद इसे अच्छे से इसके सारे एजेस को भी आप कलर कर दीजिए, क्योंकि ये एक वेस्ट मटेरियल से आप एक ब्यूटीफुल क्राफ्ट बना रहे हैं। सो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसका जो भी आउटर पोर्शंस है जो विजिबल होगा उसको आपको अच्छे से कलर करना है। अब ये जो इसके अंदर का जो बॉक्स है जो एक्चुअली बाहर निकल के आता है इसको मैं सिंपल थोड़े से ही पेंट का यूज़ करके थोड़े बस टिंटेड लुक लाना चाहती थी, इसलिए इस तरह से इसको पेंट कर लिया है।
अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे ग्लास मिरर्स का यूज़ करूँगी, क्योंकि ऐसे ही मैंने आपको बताया कि ये सारे चीज़ आप वेडिंग पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो इसको थोड़ा प्रेजेंटेबल दिखाना पड़ेगा। सो इसलिए यहाँ पे मैं फिर से वही पिंक कलर का यूज़ करूँगी, क्योंकि येलो के ऊपर ये पिंक बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। इसलिए इस तरह के रैंडम फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ओवरली डिजाइंड मैं नहीं करूँगी, इसको सिंपल फ्लावर्स बनाऊँगी। ओनली वन कॉर्नर, आप चाहो तो आप डिफरेंट डिजाइन का यूज कर सकते हो, पूरे में भी डिजाइन कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं एक स्पेशल रीजन की वजह से इस तरह से सिर्फ कॉर्नर पोर्शन को ही पेंट करूंगी विद डिफरेंट शेड, डिफरेंट फ्लावर्स। द सेकेंड एंड दिस पर्टिकुलर क्राफ्ट, ये दोनों ही वेस्ट मटेरियल से है। सो अगर आप किसी को गिफ्ट करते हो, सो वेस्ट मटेरियल से अगर आप नहीं गिफ्ट करना चाहते हो, सो इन दैट केस इस तरह के MDF बोर्ड के या कार्डबोर्ड के भी बॉक्सेस मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, ऑनलाइन भी मिलता है। सो वहाँ से भी लेके आप इस तरह के क्राफ्ट्स क्रिएट कर सकते हो। स्पेशली रिटर्न गिफ्ट्स हम जनरली वेस्ट मटेरियल से किसी को नहीं करते हैं, ऐसे किसी को गिफ्ट करना चाहो तो ये एट द एंड आप देखोगे कि ये बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपने मैच बॉक्स से बनाया है। बट अगर किसी को इस तरह के अगर रिटर्न गिफ्ट्स करना चाहते हो, सो इन दैट केस आप वो सारे ऑप्शंस जो MDF के या कार्डबोर्ड के बोर्ड्स आते हैं, बॉक्सेस आते हैं, उन सारे को यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे जो आपको खाली स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पे आप सपोज अपने वेडिंग में किसी को अगर रिटर्न गिफ्ट दे रहे हो फॉर योर ब्राइड्समेड और जनरल में भी, सो इस तरह से यहाँ पे आप अपना वेडिंग हैशटैग लिख सकते हो, डेट लिख सकते हो, अपने नेम्स को लिख सकते हो। सो इस खाली स्पेस में आप इस तरह से कस्टमाइज बॉक्सेस बना के किसी को गिफ्ट कर सकते हो। ये एक स्टोरेज ऑप्शन है, इसमें आप अपने गर्ल फ्रेंड्स को उनके फेवरेट लिपस्टिक या इसमें उनकी फेवरेट ईयर रिंग्स या फिंगर रिंग्स, ये सारे डाल के भी आप उनको गिफ्ट कर सकते हो ऑन देयर स्पेशल ओकेशंस या एज अ रिटर्न गिफ्ट। ये वाली क्राफ्ट आप देख रहे हो कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, पूरा प्रोसेस देखा, ये एक मैच बॉक्स है। अब मैं दिखाती हूँ कि इसे मैं किस तरह से यूज कर रही हूँ। सो इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैंने कितने सारे ईयर रिंग्स रखे हैं, यहाँ तो 3 पेयर्स है। इसके अलावा भी और भी मुझे लगता है इसमें एटलीस्ट 10-15 ईयर रिंग्स तो डेफिनेटली आ जाएगा। सो अगर आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में जाते हो, ये आप सिंपली अपने क्लच बैग के अंदर या फिर आप इसे अपने पर्स के अंदर रख दे, जब आप इसे निकालोगे तो आपको बिल्कुल ही शाई फील नहीं होगा कि ये वेस्ट मटेरियल से क्रिएटेड है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम वेडिंग थीम के साथ ये मैच करेगा। ब्राइट पिंक है, ग्रीन है, कुछ इस तरह के ग्लासेस है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप अपने वेडिंग फंक्शंस में या किसी के भी, मतलब आप कहीं पे भी ये वेडिंग फंक्शंस में अगर इसे निकालते हो अपने बैग से, सो डेफिनेटली लोग आपसे पूछेंगे कि ये आपने कहाँ से परचेज किया है। तब आप उनको जरूर शेयर कीजिएगा कि ये आपने किसी वीडियो से देखा है, वहां से आपने सीखा, एंड देन वीडियो भी उनके साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये सारे क्राफ्ट्स बनाने के मौका मिले। नेक्स्ट क्राफ्ट वॉज दिस वन, ये जो स्वीट बॉक्स मैंने बनाया, मैं दिखाती हूँ कि मेरा पूरा पिटारा इसके अंदर है। इसके अंदर एक बीबी क्रीम है, एक काजल, लाइनर, ये क्लच, ये बैंड, एक लिपस्टिक और एक कॉम्पैक्ट। सो मेरे मेकअप में तो मुझे इतना ही सारा सामान चाहिए होता है, एंड एवरीथिंग इज इनसाइड दिस पर्टिकुलर डब्बा। सो ये डब्बा को किस तरह से आप ब्यूटीफुल बना सकते हो वो तो आपने देखा। अब इसको आप आइदर अपने बैग के अंदर रख लो या इसे आप अपने ट्रैवल किट में भी रख सकते हो। ये आप बहुत ही, ये तो आपके पर्स में भी आ जाएगा, इतना स्लीक है ये और कितना ब्यूटीफुल भी है। इसमें भी सिमिलरली ब्लूज है, व्हाइट है, पिंक है, येलो है। वेडिंग फंक्शंस में इसे भी अगर आप निकालते हो, डेफिनेटली लोग पूछेंगे कि इतना ब्यूटीफुल क्राफ्ट, इतना ब्यूटीफुल ये आइटम आपको कहाँ से मिला। सो डेफिनेटली उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, एंड आप भी ये सारे अगर क्रिएट नहीं किया है, सो डेफिनेटली ये सारे आइडियाज को आप क्रिएट कीजिए, बिकॉज वेडिंग सीजन बिल्कुल आने वाला है, बहुत ही पास है, और कोई ना कोई वेडिंग फंक्शन में तो आप डेफिनेटली ये सारे शोकेस करने वाले हो। सो आप ये सारे क्रिएट कीजिए, मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिए, वहां पे भी मैं ये डाल दूंगी। सो नाउ मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप जल्दी से जाइए, क्रिएट कीजिए ये सारे।